रे भैया की बुझलिए मीटिंग में, मोदी के मीटिंग में आयल छलिए देखे, मोदी के मीटिंग में आयल रही देखे ले, वोट देबै मोदी जी के? किनका जितबे के कोशिश में? मोदी का। मोदी के? हां मोदी का। तो फिर से मोदी के जितबे अहां सब? हम फिर मोदी का लोग है अपन। किया जितबे से काज करैए? हमर काज करैए ते दुआ। कोन काज करैए? काज करैए खाना फराकी दे छै गाम घर का माने चमके ले हां बढ़िया काज के ले ते दुआ रे नीतीश। तो मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे खबर आसपास। आज हम मौजूद है लखनौर प्रखंड के कछुआ हाट में, जहां पर विकास रथ यात्रा की आज यहां पर आया है। और ये अलग अलग प्रखंडों में, ये सरकार की योजना है जिसके द्वारा अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जिले में ये रथ चल रहा है, जहां पर मोदी सरकार की उपलब्धि, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं जनता के बीच में, उन्हें इस विकास रथ के द्वारा दिखाया गया है। इस अवसर पर कछुआ पंचायत के बहुत सारे लोग मौजूद थे, सभी तरह के दिव्यांग और बहुत तरह के बूढ़े लोग भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ भी मौजूद है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कुछ मोदी के काम की जानकारी हुआ कुछ? जे मोदी कलखिन से कुछ जानकारी भेल? जानकारी भेल? तो यहाँ पर बहुत तरह के लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से हमने जानकारी ली है। और यहाँ पर हमारे साथ एक आदमी मौजूद है, आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं, कुछ जानकारी मालूम हुआ? जानकारी, क्या जानकारी मालूम हुआ? मोदी जी को जो है ना, जो जनधन खाता वाले जितना है विकलांग वाले को मोदी समर्थन दे रहे हैं। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, हर देश। क्या क्या लगता है मैया, मोदी नीक काम करे छथि? हाँ ठीक काम करे छथि। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग लोगों को समझाया जा रहा है विकास रथ के द्वारा कि क्या कार्य हुए। कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारी लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और लगातार हर पार्टी प्रयास कर रही है कि आगे अपना जनमत तैयार करे। तो इस तरह के खबरों के साथ हम लगातार मिलते रहते हैं। इस अवसर पर हमने स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा जी से भी बात की, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। देखे उन्होंने क्या कहा। आज हम लोग लखनऊ प्रखंड के कछुआ हाट में हैं, और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वीडियो रथ यहाँ आया हुआ है, और पूरे देश में विकास संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुँच रही है। और इसमें केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में दिखाया जा रहा है। और ये इसको तो अब लोग मोदी की गारंटी की गाड़ी भी कहने लगे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वही मोदी जी करते हैं। अगर उन्होंने कोई बात लोगों को कही, उदाहरण स्वरूप अगर कोविड में उन्होंने कहा था कि घर घर हम मुफ्त अनाज पहुंचाएंगे, उन्होंने अनाज पहुंचाया। और आज जब मोदी जी कह रहे हैं कि अगले 5 वर्ष तक हम मुफ्त अनाज देंगे, तो लोगों को विश्वास है कि वो अनाज हम तक पहुँचेगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को एक विश्वास है, मोदी जी जो कहते हैं उस पर लोगों को आस्था है, और लगता है कि सरकार जो कार्य कर रही है, मोदी जी जितने जो कहा है वो घर घर तक पहुंच रहा है। और जब वो अपने 140 करोड़ देशवासी को अपना परिवार मानते हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ शायद ही कोई ऐसा घर आपको दिखेगा, चाहे शहर हो या ग्रामीण अंचल हो, जहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच रहा है। समाज के सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को एक साथ अगर योजना का लाभ मिल रहा है तो ये साधारण बात नहीं है। और विगत 9 वर्षों में मोदी जी का एक विश्वास बना है, और इसलिए आज इस गाड़ी को भी लोग मोदी की गारंटी की गाड़ी बोलने लगे। क्या लगता है सर, ये जिस तरह से इनिशिएटिव है, इस तरह की जो प्रयास है, काम आएंगे आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है? नहीं देखिए, चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है, हर एक 5 वर्ष पर होना है, लेकिन सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, प्रत्येक घर उस लाभ से लाभान्वित हो रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ लोगों को देख रहे हैं, सब में एक उत्साह है, एक जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं, अपने मोदी जी को वो सुनना चाहते हैं, मोदी जी ने जो कार्य किया वो उसको देखना चाहते हैं, और मोदी जी आगे कार्य करेंगे अपने देश के लिए, अपने परिवारजनों के लिए वो कार्य करेंगे, ये विश्वास आज घर घर में जन जन तक पहुँचा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इस तरह के लगातार जानकारी आपको देते रहती है, उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।